वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। बी टाउन एक्ट्रेसेस अपने खूबसूरत लुक के लिए ही तो जानी जाती हैं। इन एक्ट्रेसेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होती है या तो खूबसूरत दिखे और उस खूबसूरती को मेंटेन करके रखे, लेकिन वक्त हमेशा आपका साथ दे ये जरूरी तो नहीं। बॉलीवुड की कुछ जानी मानी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि एक बीमारी और उनका पूरा का पूरा लुक बदल गया। ऐसा बदला कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। बॉलीवुड की तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनसे आप परिचित हैं, जिनको कैंसर हुआ, उन्होंने कैंसर को मात दी लेकिन अपने लुक से हाथ धो बैठी। आइए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में और देखते हैं उनकी बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी कैंसर से जंग जीत चुकी हैं। अनुपम खेर ने महिमा का एक वीडियो शेयर किया है और उन्हें कैंसर से लड़ने वाला हीरो बताया है। इस वीडियो में महिमा को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनका लुक बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है और उनके सिर के बाल भी काफ़ी कम हो चुके हैं। साल 2006 में महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी भी है। बेटी का नाम आयना चौधरी है। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया और साल 2011 से एक्ट्रेस बिना तलाक के ही अपने पति से अलग रहने लगी। सिंगल मदर होने की वजह से महिमा चौधरी ने फिल्म से दूरी बना ली। सोनाली को साल 2018 में मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में इस बीमारी का इलाज करवाया। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है और अब जल्द ही वह ब्रोकन न्यूज नाम की वेब सीरीज में कमबैक करने वाली हैं। अपने इलाज के दौरान एक समय ऐसा आया था जब सोनाली के पास अपने इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे, तब उन्हें बियर का एक ऐड करना पड़ा था। वो बताती हैं कि वो ऐड उन्हें मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि उनके पास किराए निकालने के लिए अपने घर के लिए पैसे तक नहीं थे। राइटर और प्रोड्यूसर ताहिरा कश्यप को साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा इस मुश्किल समय में कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी। वे हमेशा कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात करती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी इस लड़ाई की तस्वीरें पोस्ट की हैं। मनीषा कोइराला नवंबर 2022 में ओवेरियन कैंसर की चपेट में आई थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने दृढ़ निश्चय की वजह से ही वो इस बीमारी को मात दे पाई। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने ट्रीटमेंट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती हैं। 2021 में किरण खेर को ब्लड कैंसर होने की खबर सामने आई थी। पिछले साल उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह कैंसर की वजह से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब किरण खेर पूरी तरीके से स्वस्थ है और अपने शोज में एक बार फिर से लौट चुकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही गॉसिप्स, स्टोरीज और ऐसे ही तमाम स्टोरीज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जनसत्ता.com पर।